प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आजकल हमारे मसीह लोग जब शादियों में जाते हैं तो वो बहुत खुशी से उन दुनियावी गानों पर नाचते हैं। क्या आप भी नाचते हैं उनमें से? क्या आपकी गिनती उनमें से तो नहीं होती? हालेलुया। हमें बाइबल में से पता चलता है जो शैतान है वो पहले परमेश्वर का दूत था और परमेश्वर की महिमा के लिए गाया करता था। जो आज लोग दुनियावी गाने लिखते हैं वो शैतान की तरफ से लिखते हैं। जब हम उन गानों पर नाचते हैं तो शैतान हमारी ज़िंदगी में आकर नाचता है। फिर कहते हैं हम चर्च तो जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में दुष्ट आत्माएं क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं। इसी कारण है, क्योंकि आप उन दुनियावी गानों पर जाकर नाचते हैं, आप परमेश्वर के हुक्म को तोड़ते हैं, इसलिए आपका फिर मन प्रार्थना में नहीं लगता। आज से दुनियावी गानों को सुनना और उन पर नाचना बंद कीजिए। ये आपको एक छोटी बात लगती होगी लेकिन ये आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, दुनियावी गानों पर नाचना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके रिश्तेदार नाराज होते हैं तो उनको होने दीजिए, ये मत परवाह कीजिए कि आपके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे अगर आप नहीं नाचेंगे। उनकी चिंता मत कीजिए, आपके रिश्तेदार आपको चंगियाई नहीं दे सकते। आपने जब स्वर्ग में जाना है उसके पहले एक पुस्तक खुलेगी जो जीवन की पुस्तक है, अगर उसमें आपका नाम होगा तो आप तभी स्वर्ग में जाएंगे। तब वहाँ जाकर आप अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं आपने खड़े होना, आपने परमेश्वर के सामने खड़े होना है। परमेश्वर ने आपसे पूछना है आपने क्या क्या काम किए। हालेलुया। इसीलिए दुनियावी गानों पर नाचना बंद कीजिए। प्रभु आपको बरकत दे। मेरा ये छोटा सा मैसेज था, और दुनियावी गानों को सुनना बंद कीजिए। आप इस मैसेज को ज़रूर मानेंगे अपनी ज़िंदगी में। गॉड ब्लेस यू ऑल।